आमतौर पर लोगों के मन में धारणा बनी रहती है कि बॉलीवुड में जाना तो शादी के चक्कर में मत पड़ो, पहले अपना करियर बना लो फिर शादी कर लेना। इसलिए कई बॉलीवुड सितारों ने इसे फॉलो भी किया। बॉलीवुड के कुछ सितारे ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन बॉलीवुड में सफल होने के बाद उन सितारों ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में जिन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन फेमस होने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। आइए जानते कौन है। नंबर 5, अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल ने साल 1991 में भारतीय मॉडल मेहर जेसिया से शादी की। शादी के 10 साल बाद 2001 में फिल्म दीवानापन से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई। इसके बाद इन्होंने प्यार इश्क और मोहब्बत, मोक्षा और फॉक्स जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनका बॉलीवुड में आने से पहले शादी करना सच में लकी साबित हुआ, पर हाल ही में इन्होंने मेहर जेसिया से तलाक ले लिया है। नंबर 4, करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की, जहां ये टीवी इंडस्ट्री के कई सीरियल में नजर आए। 2015 में इन्होंने फिल्म अलोन के साथ बॉलीवुड में भी कदम रखा, जहां इनके अपोजिट बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु नजर आई। इस फिल्म के बाद करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा से शादी कर ली, लेकिन आपको बता दें बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले ही करण सिंह ग्रोवर जेनिफर विंगेट और श्रद्धा निगम से शादी कर चुके थे, लेकिन बॉलीवुड में आते ही इन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर विंगेट को तलाक दे दिया और बिपाशा से शादी कर ली। नंबर 3, फरहान अख्तर। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और डायरेक्टर फरहान अख्तर को साल 2000 में हेयर स्टाइलिश अधुना भवानी से शादी की थी और शादी के एक साल बाद 2001 में इन्होंने फिल्म दिल चाहता है से बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। 2009 में फिल्म फकीरा ऑफ वेनिस में इन्होंने एक्टिंग से डेब्यू किया। इसके बाद इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में बतौर डायरेक्टर और एक्टर काम किया, लेकिन कुछ अभिनेताओं की तरह इन्होंने भी बॉलीवुड में फेमस होने के बाद अपनी पत्नी से 2017 में तलाक ले लिया। नंबर 2, आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले अभिनेता आमिर खान ने फिल्म प्रोड्यूसर रीना दत्ता से साल 1986 में लव मैरिज की। शादी के 2 साल बाद 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनकी ये फिल्म सुपरहिट हुई। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम करके बॉलीवुड में नाम कमाया, लेकिन इन्होंने भी बॉलीवुड में फेमस होने के बाद अपनी पत्नी से 2002 में तलाक ले लिया। तलाक के कुछ सालों बाद इन्होंने किरण राव से शादी की। नंबर 1, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1976 में फिल्म मृगया से की थी। इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के बाद मिथुन ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन हम आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती भी उन अभिनेताओं में शामिल है जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले शादी कर रखी थी। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में आने से पहले मॉडल हेलेना ल्यूक से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही मिथुन ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और 1979 में अभिनेत्री योगिता बाली से दूसरी शादी कर ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बॉलीवुड में सफल होने के बाद इन अभिनेताओं ने अपनी पत्नी को तलाक देकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट में दीजिए ना, और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना।